जीते जागते दीप। दीपावली को निकट देखकर राजा कृष्णदेव राय ने दरबारियों से कहा, क्यों न इस बार दीपावली कुछ अलग ढंग से मनाई जाए, ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें बच्चे बड़े सभी मिलकर भाग लें। विचार तो बहुत ही उत्तम है महाराज, मंत्री ने प्रसन्न होकर कहा। उसके बाद सबने अपने अपने सुझाव दिए। पुरोहित जी ने एक विशाल यज्ञ आयोजन का सुझाव दिया तो मंत्री ने दूर देशों से जादूगरों को बुलाने को कहा। और भी कई लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन राजा को किसी का सुझाव पसंद आया। उन्होंने सुझाव हेतु तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, क्षमा करें महाराज, दीपावली तो दीपों का पर्व है, यदि अलग ढंग का ही आयोजन चाहते हैं तो ऐसा करें, रात में हर वर्ष दिए जलाए जाते हैं, इस बार दिन में भी जलाएं। ये सुनकर सारे दरबारी ठहका मारकर हंस पड़े। स्वयं राजा खींच कर बोले, तेनालीराम हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। महाराज मैं मिट्टी के दिए नहीं, जीते जागते दियों की बात कर रहा हूं, और वे दिए हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनकी हंसी दिए की लौ से भी उज्जवल है, तेनालीराम ने कहा। राजा को तेनालीराम का विचार पसंद आया। वो बोले, तुम्हारी बात तो अच्छी है, लेकिन कार्यक्रम क्या हो? महाराज इस बार दीपावली पर बच्चों के लिए एक मेले का आयोजन किया जाए। बच्चे दिन भर उछले कूदे, हंसे खिलखिलाएं, प्रतियोगिता में भाग लें। इस मेले के प्रबंधक भी बच्चे ही हों, बड़े भी उस मेले में जाएं लेकिन बच्चों के रूप में। वहां कहीं भी किसी भी बात में दखल न दे। जो बच्चा सर्वप्रथम आएगा उसे राज्य का सबसे बड़ा बच्चा पुरस्कार दे। तेनालीराम ने अपनी बात पूरी की। लेकिन राज्य का सबसे बड़ा बच्चा कौन है? राजा ने पूछा तो तेनालीराम मुस्कुराया। वो तो आप ही हैं महाराज, आपसे बढ़कर बच्चों जैसा निर्मल स्वभाव और किसका होगा। यह सुनकर राजा की हंसी छूट गई, साथ ही दरबारी भी मुस्कुराए। दीपावली के दिन बच्चों ने मेले में खूब धूम मचाई। राजा बहुत खुश थे, सचमुच इन नन्हे मुन्ने दीपों ने तो कमाल कर दिया। इनका प्रकाश अद्भुत, अनोखा और सबसे प्यारा है। पति का पूजन। एक गांव में एक औरत अपने पति को रोजाना 10 जूते मारा करती थी। उसके एक शादी के लायक बेटी थी जिसके वर की खोज जा रही थी। लड़की रूपवती थी, किंतु माँ के अपने पति को जूता मारने की वजह से लोगों को डर था कि कहीं बेटी भी ऐसी ना हो। इस कारण कोई भी उसके साथ विवाह करना नहीं चाहता था। तेनालीराम की कीर्ति से दरबारी ही नहीं, उसके रिश्तेदार भी जलते थे। उन्होंने अपना बैर निकालने के लिए यह अच्छा अवसर समझा। एक दिन जब तेनालीराम सब कामों से निपटकर अपने घर में बैठे थे, पुरोहित उनसे मिलने आया। तेनालीराम ने आदर के साथ उसको बिठाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद पुरोहित बोला, वो रमाबाई जो अपने पति विष्णु शर्मा को नित्य 10 जूते मारती है, उसको तो आप जानते ही होंगे। उसकी एक बहुत रूपवती बेटी है, उसे कोई विवाह नहीं करता। सबको ये भय है कि उसमें माता के से आचरण न हो। यदि आप उससे विवाह कर लें तो आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। तेनालीराम ने उसका मतलब समझ लिया और कहा, आपका कहना ठीक है, परंतु मेरा विवाह हो चुका है और दूसरा करने का विचार नहीं है। किंतु मेरा एक छोटा भाई है जो इन दिनों काशी पढ़ने गया है, यदि उसके साथ उस लड़की का रिश्ता हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर पुरोहित जी प्रसन्न होते हुए रमाबाई के घर गए और अपने आने का मतलब कह सुनाया। सुनते ही रमाबाई बहुत प्रसन्न हुई और उसने तेनालीराम के भाई को लड़की देना स्वीकार कर ली। उसने विवाह का दिन निश्चित करने की भी पुरोहित को अनुमति दे दी। पुरोहित ने दिन निश्चित कर तेनालीराम को जाकर बता दिया। तेनालीराम के कोई छोटा भाई न था। जब विवाह पक्का हो गया तब वो अनाथ बालक को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन में उनको 20 वर्ष का एक युवक मिल गया जो बहुत पढ़ा लिखा था। वो पेट पालने की चिंता में विजयनगर आया हुआ था। तेनालीराम ने उस युवक को घर पर टिका लिया। एक दिन उसने कहा, मैं रमाबाई की कन्या से तेरा विवाह कर दूंगा और तेरे जीवन निर्वाह का उचित प्रबंध भी करा दूंगा। बस इन सब बातों के लिए तुझे मेरा छोटा भाई बनना पड़ेगा, यदि इच्छा हो तो उपाय करूं। तेनालीराम की बात सुनकर उस युवक ने उसका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस दिन लड़की ससुराल जाने को तैयार हुई तो लड़की की माँ ने एक जूता देकर कहा, बेटी यदि तू मेरी सचमुच की बेटी है तो तू मुझसे भी अधिक अपने पति पर प्रभाव जमा लेना। मैं अगर अपने पति को 10 जूते रोज मारती हूँ तो तू 15 मारना।
तभी तू मेरी सही बेटी कहलाएगी। लड़की ने मां की बात स्वीकार कर ली। उधर तेनालीराम ने पूरी योजना तैयार कर ली थी। पहले उसने अपना रूप ऐसा धरा कि लड़की देखते ही थर थर कांपने लगी। फिर लड़के को भी चिड़चिड़े स्वभाव का बनकर रहने को कहा। तेनालीराम और अपने पति के चिड़चिड़े स्वभाव को देखकर उस लड़की ने भय के मारे जूता चुपके से कोने में डाल दिया। उधर विष्णु शर्मा की परेशानी देखकर उसने विष्णु को 4 मास तक अपने यहाँ रहने और प्रतिदिन सूर्य को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने को कहा। विष्णु शर्मा भी मान गया। तेनालीराम ने उसके खाने के लिए पौष्टिक भोजन का प्रबंध कर दिया। 4 मास में ही उसकी छवि बदल गई। फिर उसने उसको एक डंडा बनवा कर दिया। डंडा लेकर 4 मास के बाद अपने घर लौटा तो प्रसन्न पति ने उसको जूते मारने के स्थान पर बैठने को कहा। विष्णु शर्मा चुपचाप वहां जाकर बैठ गया। जैसे ही उसकी पत्नी ने जूता मारने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने उसे डंडे से मारना आरंभ कर दिया। वो डंडा लगते ही चीखी, तब उसके पति ने उसकी खूब पिटाई की। अपने पति का रौद्र रूप देखकर वो डर गई और उस दिन से उसकी आज्ञा मानने लगी तथा श्रद्धा पूर्वक पति का पूजन भी करने लगी। बदला लेने की ताक। तेनालीराम के व्यवहार की शिकायत लेकर कुछ ब्राह्मण राजगुरु के पास पहुंचे। राजगुरु पहले ही तेनालीराम से बदला लेने की ताक में था। राजगुरु और ब्राह्मणों ने योजना बना तेनालीराम को सबक सिखाने की सोची कि तेनालीराम को शिष्य बनाने का बहाना कर उसके शरीर को दागा जाए और फिर शिष्य बनाने से इनकार कर दिया जाए। 108 ब्राह्मण और राजगुरु इस योजना में शामिल थे। एक दिन राजगुरु ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें शिष्य बनाने से पहले स्नान के बाद अपने दिए वस्त्र पहनाऊंगा और फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर रीति अनुसार शंख और लोहे चक्र से तुम्हारा शरीर दागा जाएगा। तेनालीराम समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उसने सच्चाई जानने के लिए एक ब्राह्मण को 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और उससे सब कुछ पूछ लिया। शुक्रवार के दिन तेनालीराम सुबह उठा, स्नान किया और राजगुरु के दिए हुए रेशम के वस्त्र पहने, जिनका मूल्य कोई 1000 रुपये रहा होगा। राजगुरु ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब बारी आई दागने की रीति पूरा करने की। शंख और लोहे चक्र आग में तप रहे थे। राजगुरु और ब्राह्मण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही शंख और लोहे चक्र दागे जाने के लिए तैयार हुए, तेनालीराम ने 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दी और ये कहते हुए भाग खड़ा हुआ, आधा ही बहुत है, बाकी आधा मैंने वापस कर दिया। राजगुरु और ब्राह्मण गरम गरम शंख और लोहे चक्र लेकर पीछे पीछे भागे। तेनालीराम भागता हुआ राजा के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज, जब समारोह हो रहा था तब अचानक मुझे याद आया कि मैं वैदिक ब्राह्मण नहीं, नियोग ब्राह्मण हूं, इसलिए उनका शिष्य होने योग्य नहीं। रीति अनुसार मैंने आधी रस्में पूरी की, इसलिए मैंने आधे पैसे रख लिए और आधे पैसे वापस कर दिए। राजा ने राजगुरु से पूछा तो उसे मानना पड़ा कि तेनालीराम सही कह रहा है, वो शिष्य बनने योग्य नहीं। राजा ने प्रसन्न हो तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और इनाम में दी। भगवान का प्रसाद। एक गरीब ब्राह्मण जिसके हाथ पैर सही काम न करते थे, उसने कई बार सम्राट कृष्णदेव राय से सहायता की गुहार की, किंतु न जाने क्यों पुरोहित उससे खार खाता था। हार कर झक मार कर वो तेनालीराम के पास जा पहुंचा और तेनालीराम से सारी बात कह सुनाई। उसने कुछ कहकर उसे वापस भेज दिया। उस दिन सम्राट कृष्णदेव राय नर्मदा के उस पार महर्षि आश्रम में जाने वाले थे। गर्मी के दिन थे, रास्ते में पानी के लिए आवश्यक पानी का प्रबंध तेनालीराम को ही करना था। आधी दूरी तय करने के बाद आमों के एक छायाकार बगीचे में पड़ाव डाला गया। सभी ने हाथ पैर धोकर भोजन शुरू किया। भोजन अभी समाप्त होने वाला था कि पानी की टंकी लुढ़क गई, सारा पानी बह गया। सभी के हाथ मुंह भोजन से सने थे। सम्राट ने आदेश दिया, पानी की तलाश करो। सारे दरबारी पानी की तलाश करने लगे। तभी एक दरबारी आकर बोला, महाराज, उस ओर एक छोटी सी कुटिया में ठंडे पानी के 6 घड़े भरे रखे हैं, किंतु कुटिया में कोई नहीं है। तो क्या हुआ? प्यास से बेचैन मंत्री बोला, सम्राट के लिए पानी को कौन मना करेगा? अधिक कहेगा तो उसका मूल्य चुका देंगे। मंत्री की बात पर सहमत हो सभी पानी पीने में जुट गए। तभी कुटिया का मालिक आ गया।
पुरोहित उसे देखकर चिढ़ गया। वो गरीब ब्राह्मण था। जब सब पानी पी चुके तो मंत्री उससे बोला, हमें प्यास लगी थी, आसपास कहीं पानी न मिला सो तुम्हारा पानी पी लिया, बोलो इसका क्या मूल्य लोगे। गरीब ब्राह्मण से पहले ही पुरोहित मुंह बनाकर बोला, देना ही क्या है, 10 पगोदा दे दो। गरीब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, महाराज पानी का मूल्य मैं नहीं लूंगा, हां पानी को प्रसाद समझकर कुछ देना चाहें तो दे दें। सम्राट ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम बोला, महाराज गरीब ब्राह्मण ठीक कहता है, इस संकट में ये पानी भगवान का प्रसाद ही था, प्रसाद की दक्षिणा राजकुल के अनुरूप होनी चाहिए। सम्राट ने अपने गले से मणि की माला उतार कर ब्राह्मण को दे दी। राजा का कर्तव्य। राजा कृष्णदेव राय के नगर में जब चूहे बहुत बढ़ गए तो उन्होंने चूहों से छुटकारा पाने के लिए 1000 बिल्लियां बाहर से मंगवाई। नगर के लोगों को एक गाय के साथ एक बिल्ली बांट दी ताकि उसका दूध बिल्ली को पिलाया जा सके। तेनालीराम भी इस अवसर पर राजा के सामने जा खड़ा हुआ। उसे भी एक बिल्ली और एक गाय मिली। उसने पहले ही दिन उबलते हुए दूध का कटोरा बिल्ली के सामने रख दिया। बेचारी ने जल्दी से कटोरे में मुंह मारा तो उसका मुंह जल गया। उसके बाद ठंडे दूध को भी वो मुंह न लगाती। तेनालीराम गाय का सारा दूध अपने घर परिवार में प्रयोग में लाता। 3 महीने बाद जब सभी बिल्लियों की जांच की गई तो तेनालीराम की बिल्ली सूखी सी थी, जबकि सबकी बिल्लियां मोटी थी। राजा ने देखा तो तेनालीराम को डांटते हुए पूछा, तुमने इसे गाय का दूध क्यों नहीं पिलाया। महाराज ये दूध छूती भी नहीं, तेनालीराम ने भोलेपन से कहा। तो राजा बोले, ये कैसे हो सकता है, बिल्ली भला दूध न पिए, महाराज पिलाकर देख लीजिए। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज ने बिल्ली को अपने हाथों में लेकर दूध का कटोरा उसके सामने रखा तो बिल्ली दूर भाग गई। उससे पहले राजा ने तेनालीराम के सामने शर्त रखी थी कि बिल्ली ने दूध न पिया तो राजा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, यदि पिया तो तेनालीराम को 100 कौड़े लगेंगे। बिल्ली के दूध न पीने पर तेनालीराम बोला, महाराज 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी हुई। राजा ने निरीक्षण किया तो पाया कि बिल्ली का मुंह जला है। उन्होंने तेनालीराम से इस विषय में कहा तो वो बोला, महाराज ये देखना राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में मनुष्य के बच्चों को बिल्लियों से पहले दूध मिलना चाहिए। राजा अपनी हंसी न रोक सके, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, बात तो ठीक है पर शायद आगे से तुम्हें ये सद्बुद्धि आ जाए तो बेचारे मासूम जानवरों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहिए।